और आपको पता है कि जब बच्चे की विलादत करीब होती है तो शैतान पास आके खड़ा हो जाता है कि जो ही सामने आए इसको छू। और ये जो बच्चा रोता है ना, इसकी वजह हदीस में ये बताएगी कि शैतान उसको ठोंगा मारता है। डॉक्टर्स जो कहते हैं कहते रहे, लेकिन हदीस में जो बताया गया वो यही है कि शैतान उसको आके तकलीफ देता है, उस वक्त से पीछे पड़ जाता है इंसान के। इसीलिए वालदा को, जिस किसी की भी डिलीवरी होनी है, उन सबको मैं पहले से नसीहत करी कि उस वक्त कसरत से आयतुल कुर्सी पढ़े, ताकि भाग जाए वहां से। अगर आप इस हालत में कंडीशन में ना हो पढ़ने की, तो जो आपके पास खड़े उनको कहें कि पढ़े। तो बहरहाल कहते हैं कि उसके बच्चों को, जुर्रियत को, अलबत्ता जरूर काबू में कर लूंगा, खा जाऊंगा जुर्रियतहू, इसकी औलाद को, इसके बच्चों को, इल्ला कलीलन, मगर बहुत थोड़े, बहुत कम। ये लफ्ज जो अहतने करना है, ये बहुत जामे लफ्ज है। हानून का, हना का और हन्ना का लफ्जी माना होता है किसी चीज को चबा कर नरम करना। और चबा कर नरम किसी चीज को किस लिए किया जाता है? ताकि उसको निगला जा सके। किसी सख्त चीज को आप निगल नहीं सकते, तो पहले आप उसको क्या करते हैं? चबाते हैं, नरम करते हैं, फिर अंदर ले जाते हैं। शैतान ने भी क्या कहा कि मैं क्या करूंगा, इसको खा जाऊंगा। अब ये खाना मुहावरती माना है, लफ्जी माना नहीं है। इसी तरह तहनीक कहते हैं ना घुट्टी को, घुट्टी नहीं देते बच्चों को, उसको तहनीक बोलते हैं। और फिर होने का और हन्ना का सभी बच्चे को मुहज्जब बनाना, इहतेनाक होता है किसी चीज को पूरे का पूरा ले लेना। अच्छा, आपने घुट्टी के बारे में भी सुना होगा, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको घुट्टी दी जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बच्चे लाए जाते थे, आप खजूर को चबा कर नरम करके तो उनके तालू में लगाते थे, चटाते थे। और इसका भी कहा जाता है कि जो शख्स घुट्टी देता है उसके असरात होते हैं बच्चे के ऊपर। होता है कि बच्चा बिल्कुल एक अनटच नई चीज होता है ना, तो जो पहले हाथ उसको लगते हैं, जो उसके जबान के अंदर या जिस्म के अंदर इंसान के अंगूठे से या उंगली से जो रेज जाती हैं, तो उसकी शख्सियत पे असर अंदाज होती है। इसीलिए कहते हैं कि नेक शख्स से हमेशा या अच्छे खसलत इंसान से पहला हाथ लगवाना चाहिए, ताकि अच्छाई जज्ब हो इंसान के अंदर। तो इसने क्या कहा शैतान ने कि मैं उसको घुट्टी दे दूंगा, पैदा होते ही अपने हाथ लगा दूंगा। इन ये लफ्जी तफसीर है, अब लफ्जी भी मत जाए, ये सिर्फ मैं इसकी गहराई तक पहुंचने के लिए आपको ये बात कर रही हूं कि इतने तो शायद इंतजार में आपकी आपके माँ बाप भी न थे जितना शैतान था। आपके माँ बाप ने कोई प्लानिंग नहीं की होगी कि बच्चा आएगा पहले उसके साथ क्या करेंगे हम, कोई नहीं सोच के रखता। ये कपड़े उनके बनाने खरीदने वो शौक होते हैं लोगों को, वो ढेरों ढेर माल इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन कोई माँ कम ही पड़ती है कि दीनी एतबार से बच्चे की पैदाइश के बाद मुझे उसके साथ क्या करना है, इस्लाम क्या बताता है कि पैदा होने के फौरन बाद उसके साथ क्या क्या मामला किया जाए। जरूरत ही नहीं, शैतान के हवाले किया हुआ है। अब आप खुद सोचे कि हमारा दुश्मन इतना होशियार है कि वो अपने साथ मिलाने के लिए खड़ा है वहां, पहले इसको मैं ले लूंगा, मैं अपना बना लूंगा। जाता है कहां, हमें है किसी को अल्लाह का बनाने या अपना इसलिए बनाने की फिक्र कि इसको अल्लाह की तरफ ले चलना? एक एक पे नजर रखे हुए है। और मैं, अगर मुझे मोहलत मिल गई ना, तो मैं अपने काबू में कर लूंगा, अपना बना लूंगा। इसी तरह एहतना कल फरस, फरस कहते हैं घोड़े को, घोड़े के मुंह में रस्सी लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। कभी आप टांगे पे बैठे हो तो उसकी जो बागें लगाई जाती है, यानी लगाम जो लगाई जाती है, यानी मैं उसको लगाम दूंगा। अच्छा, जब लगाम किसी चीज की हाथ में आ जाए, घोड़े की लगाम जब घोड़ा चलाने वाले के हाथ में आ जाए, तो फिर क्या होता है? वो उसको पूरी तरह अपने काबू में कर लेता है, पूरी तरह अपने कब्जे में कर लेता है, जिधर चाहता है उसको मोड़ता है, जिधर चाहता है उसे जाने से रोक लेता है। तो कहते हैं कि मैं उसकी औलाद को लगाम लगा लूंगा,